कांप उठे पांडव जब कर्ण का महाशक्तिशाली पुत्र आया था अपने पिता का बदला लेने। आखिर कैसे लिया था कर्ण के उस महाशक्तिशाली पुत्र ने अपने पिता की मृत्यु का बदला, आज जानेंगे इस वीडियो में। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम ऐसे ही इतिहास की और नई नई रहस्यमय जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए जानते हैं कर्ण के उस महाशक्तिशाली पुत्र के बारे में जो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के पास आया। दोस्तों, हमारे इतिहास के महाभारत में जब महाधनुधारियों का नाम लिया जाता है तब सूर्य पुत्र कर्ण का नाम तो अवश्य ही आता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कर्ण के 9 पुत्रों का वर्णन भी हमें महाभारत में देखने को मिलता है जो बेहद ही पराक्रमी और शक्तिशाली थे। कर्ण के उन्हीं 9 पुत्रों में से एक ऐसा पुत्र भी था जो महाभारत के अंत तक बचा रहा, जिसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया, जिसे देख स्वयं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी चौंक उठे, क्योंकि कर्ण का वह पुत्र अपने पिता की तरह ही महापराक्रमी और शक्तिशाली था। उसको हरा पाना पांडवों की भी बस की बात नहीं थी। वास्तव में हम कर्ण के जिस पुत्र के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसका नाम था वृषिकेतु। उसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि वह ब्रह्मास्त्र, अग्निअस्त्र और वरुणास्त्र का ज्ञान रखने वाला पृथ्वी का आखिरी योद्धा था और अपनी वीरता के कारण वह महाभारत युद्ध के अंत तक जीवित बचा रहा और उसने अपना शासन काल भी चलाया। दोस्तों, वृषिकेतु अपना असीम पराक्रम दिखाते हुए कई वर्षों तक इंद्रप्रस्थ पर राज किया था। तो आखिर क्या कहानी है कर्ण के पुत्र वृषिकेतु की, कैसे लिया उसने अर्जुन से अपने पिता कर्ण की मृत्यु का बदला। दरअसल दोस्तों, कर्ण ने रूपाली और सुप्रिया नामक 2 कन्याओं से विवाह किया था और इन्हीं से कर्ण को 9 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, महाभारत में अंगराज कर्ण की पत्नी रूपाली का वर्णन एक चरित्रवान और बुद्धिमान और पतिव्रता स्त्री में किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रूपाली दुर्योधन के विश्वास पात्र सारथी सत्यसेन की बहन थी, जो कर्ण की मृत्यु के बाद कर्ण की चिता पर उसके साथ ही सती हो गई थी। रूपाली का पुत्र वृषिकेतु बचपन से ही अपनी माता के समान बुद्धिमान और अपने पिता के समान तेजस्वी था। और तो और, वृषिकेतु की आरंभिक शिक्षा उनके पिता महारथी कर्ण के हाथों ही हुई थी। कर्ण ने अपने पुत्रों को धनुर्विद्या के साथ साथ हर युद्ध की विद्या में पारंगत कर दिया था। वृषिकेतु युद्ध की हर विद्या में पारंगत थे, फिर चाहे वह तलवारबाजी हो या फिर धनुर्विद्या हो या फिर गदा युद्ध हो, हर जगह वह श्रेष्ठ था। दोस्तों, महाभारत युद्ध के मैदान में कर्ण के पुत्रों ने पांडवों की पूरी सेना में खलबली मचा दी थी। उन्होंने अनेकों पांडव सेना को हराया था और भारी मात्रा में पांडवों की सेना का विनाश भी किया था। और सूर्य पुत्र कर्ण के पुत्रों ने युद्ध क्षेत्र में वह रण कौशल दिखाया था, जिसे देखकर अनेकों पांडव योद्धा भयभीत हो गए थे। अपने पिता कर्ण के समान ही पांडवों की विजय में बहुत बड़े बाधक थे। पांडव जानते थे कि जब तक वह कर्ण और उनके पुत्रों को परास्त नहीं करेंगे तब तक वह इस युद्ध को नहीं जीत सकते। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि महाभारत के 17वें दिन अंगराज कर्ण और अर्जुन के बीच में महाभयंकर युद्ध हुआ था और अर्जुन के हाथों कर्ण वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और उसी दिन अर्जुन का कर्ण के पुत्र वृषसेन के साथ भयानक युद्ध हुआ और अपने पिता की तरह ही वह भी अर्जुन के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गए। इस तरह कर्ण के पुत्र वृषसेन की मृत्यु अर्जुन के हाथों हुई। वही कर्ण के एक और पुत्र को महाबली भीम ने मारा तथा चित्रसेन और सत्यसेन नकुल और सहदेव के हाथों मारे गए। इस तरह से कर्ण के 9 पुत्रों में से 8 पुत्र महाभारत युद्ध में मारे गए। वृषिकेतु कर्ण का
एक यह पुत्र जीवित बचा था। वृषकेतु के पिता और उनके अन्य भाइयों का उस युद्ध में अंत हो चुका था। उसकी माता भी कर्ण की चिता में सती हो गई थी। वृषकेतु अकेला हो गया था। इसके बावजूद भी उसने अपने मन में कभी भी बदले की भावना नहीं पाली। वृषकेतु का बचपन उसकी माता के साथ बीता था, इसीलिए उसके चरित्र पर उसकी माता का ही प्रभाव पड़ा। उसने कभी भी पांडवों के प्रति गलत भावना नहीं रखी। उसने कभी भी अर्जुन के बारे में गलत नहीं सोचा, जो स्वयं कर्ण के हत्यारे थे, जिन्होंने कर्ण को अधर्म पूर्वक मारा था। जब कर्ण की मृत्यु के बाद पांडवों को पता चला कि कर्ण उनके ज्येष्ठ भ्राता थे, साथ ही उनका पुत्र वृषकेतु आज भी जीवित है, तो उन्होंने उसे महल में बुलाया और वृषकेतु अपने पिता की तरह ही वह भी निडर था। वह पांडवों से डरा नहीं और उनके मन में पांडवों के प्रति कोई भी देश भावना नहीं थी। जब वृषकेतु पांडवों से मिला तो माता कुंती समेत सभी पांडव द्रौपदी और सुभद्रा पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहे थे। अर्जुन समेत सभी पांडव कुंती अपने आप को कर्ण का दोषी मान रहे थे। अपने बड़े भाई और भतीजे की मृत्यु का उन्हें बहुत दुख था और वह इस बात से प्रसन्न भी थे। एक भतीजा अभी भी जीवित है। दोस्तों, पांडवों से वृषकेतु को बड़ा ही स्नेह और लार दुलार मिला था और उन्होंने अपने भाई सूर्य पुत्र कर्ण को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया। और तो और, कर्ण पुत्र वृषकेतु ने युधिष्ठिर और अर्जुन की छत्र छाया में अनेकों वर्ष शासन किया और एक महान आदर्श राजा के रूप में खुद को स्थापित किया। दोस्तों, कहते हैं कि घटोत्कच के दूसरे पुत्र अंजन प्रवाह और वृषकेतु बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। दोनों ही आपस में भाई भी थे और एक अच्छे मित्र भी थे। उन्होंने साथ मिलकर कई युद्ध भी जीते थे। दोनों ने मिलकर भद्रावती की सेना को हराया था। वृषकेतु ने अर्जुन के संरक्षण में कई बड़े बड़े युद्ध जीते और अनेकों युद्धों में भी अर्जुन का साथ दिया था। वो भी अपने पिता की तरह एक महान धनुधर थे। युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के समय वृषकेतु भी अर्जुन के साथ भारत विजय पर निकले, जहां दोनों ने मिलकर कई सारे राजाओं को परास्त किया था। और इसी के समय जब अर्जुन अनजाने में अपने दूसरे पुत्र बभुवाहन से लड़ पड़े, तब उस समय बभुवाहन ने वृषकेतु के साथ युद्ध किया था, जो अर्जुन का ही पुत्र था। ब्रह्मास्त्र हो या ब्रह्मांड अस्त्र, सबका ज्ञान रखने वाला महाभारत का एक आखिरी योद्धा, जिसने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर किसी और को यह ज्ञान नहीं दिया, क्योंकि वह शांति को महत्व देता था। दोस्तों, सूर्य पुत्र कर्ण का पालन पोषण सूत घर में हुआ था, इसीलिए उन्हें सूत पुत्र भी कहा जाता था। इसीलिए गुरु द्रोणाचार्य के धनुर्विद्या सिखाने पर मना करने से कर्ण भगवान परशुराम के पास पहुँच गए। वहाँ पर भी उन्हें जब यह पता चला कि वह सिर्फ ब्राह्मण को ही शिक्षा देते हैं, तो वह एक ब्राह्मण का भेष बना कर गए और अपने आप को ब्राह्मण पुत्र बताया था। तब भगवान परशुराम ने कर्ण को धनुर्विद्या सिखाई। जब कर्ण की शिक्षा खत्म होने वाली थी, तब एक दिन उनके गुरु परशुराम उनकी जांग पर सर रखकर आराम कर रहे थे, तभी एक बिच्छू ने कर्ण को काट लिया। लेकिन गुरु परशुराम की नींद ना खराब हो, इसीलिए कर्ण ने बिल्कुल भी आवाज नहीं की। बिच्छू कर्ण को काटता रहा। फिर थोड़ी देर बाद परशुराम जी की नींद खुली तो कर्ण के पैर से निकलते खून और बिच्छू को देखकर समझ गए। परशुराम ने कर्ण से कहा कि तुम ब्राह्मण पुत्र नहीं हो सकते, क्योंकि एक ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता नहीं होती। तुम क्षत्रिय हो, ऐसे में तुमने मुझसे झूठ बोला है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी दी गई विद्या और अस्त्रों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, उस वक्त तुम्हें इनका विस्मरण हो जाएगा। दुखी कर्ण ने परशुराम जी से कहा, हे गुरुवर, मैं जानता ही नहीं हूँ कि मैं किस कुल से हूँ और किस वंश से हूँ। इतना सुनते ही परशुराम जी को पछतावा हुआ, लेकिन दिया गया श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, इसीलिए उसके बाद वह कर्ण को एक विजय धनुष देते हैं।